सत्कार साथियों, आप सभी का इस सभागार में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सबके बीच हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आईटी विभाग की प्रमुख सुप्रिया सिमेट जी हैं, जो आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू होंगी। सुप्रिया जी का मध्य प्रदेश जब जब आना होता है और जब जब वो अपनी बात रखती तो शिवराज सरकार की नींव हिल जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। ये एक जरूरी मुद्दा है और जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर और भी बड़े घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश की 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाला या स्कैम ना किया, चाहे वो बच्चों का पोषण हो, चाहे वो स्कूल ड्रेस का घोटाला हो, चाहे वो किसान का मुआवजा घोटाला हो, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो। लोग कह रहे हैं बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 250 घोटालों से ऊपर की सूची तो हम लोगों ने बना ली है। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात करने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज का जो घोटाला है वो इन सब घोटालों का बाप है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रदेश की विकास दर, इस प्रदेश की जीडीपी के साथ फेर फेर किया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और उसी के चलते ज्यादा कर्ज लिया गया और आपको कर्ज के बोझ के तले दबाया गया। मैं आंकड़े गिनाने से पहले दो बातें स्पष्ट कर दूं। लगातार शिवराज चौहान की सरकार कहती है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है मध्य प्रदेश में, वो यहां की अर्थव्यवस्था में नहीं झलकती है, वो रोजगार के माध्यम में नहीं झलकती है, वो लोगों की आय में नहीं झलकती है। यहां पर 37% बच्चे कुपोषित हैं 5 साल की कम उम्र से, यहां पर 35% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। उज्ज्वला का झुंझुना बजाया गया, उज्ज्वला उनको मिलता है जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे के परिवार होते हैं। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको उज्ज्वला देना पड़ा। यहाँ का किसान आय जो है उसकी निरंतर घटती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये जो बताया जा रहा था बढ़ा चढ़ाकर कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, जबरदस्त जीडीपी बढ़ रहा है, ये किसका बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था और कहां बढ़ रहा था, उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने विद आंकड़ा विद प्रूफ हम निकालने जा रहे हैं। तो इस फर्जीवाड़ा के 4 प्रमाण हैं और ये बड़ा घोटाला, इसको समझाना मेरे ख्याल से जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में अगर जीडीपी की रेट को गलत बताया जाता है, अगर ग्रोथ की वृद्धि दर को गलत बताया जाता है तो सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं और गलत बताकर बढ़ा चढ़ाकर ही ज्यादा ऋण लिया जाता है। ज्यादा जीडीपी बताया जाएगा तो ज्यादा ऋण, ज्यादा कर्जा उठाया जाएगा और इसीलिए आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में यह बोझ उठा रहा है, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। तो पहली बात तो ये बतानी जरूरी है, और आप में से कुछ लोग जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं या आंकड़े जानना चाहते हैं, हर छह साल में मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो जाता है। 2012 के वित्तीय वर्ष में यह कुछ 3 लाख करोड़ से ऊपर था, फिर 2018 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 7 लाख करोड़ से ऊपर था, तो 2024 वित्तीय वर्ष में इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर होना था, 14 करोड़ 12 लाख के आसपास होना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर बता दिया, मतलब अनुमानित से भी 50,000 करोड़ ज्यादा। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और अकल यहां पर थोड़ी क्षुब्ध हो गई। जब वो ये बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा हमने 15वें वित्तीय आयोग के जो फाइनेंस कमीशन है उसके अनुमान पर बढ़ाया है, 15 लाख करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया।
लेकिन ये भूल गए कि कोविड के दो सालों में मध्य प्रदेश की जो प्रगति, जो ग्रोथ थी, वो माइनस नेगेटिव में चली गई। इन्होंने नजरअंदाज कर दिया ये सत्य कि पूरे देश और हर राज्य की जो ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी। तो किस बेसिस पर आपने ये बढ़ाया, ये सिर्फ ये बता सकते कि आंकड़ों के साथ हेरा फेरी अपराध है, गलत है और सर्वथा इसकी निंदा होनी चाहिए। जिन दो सालों में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहा, आपने उसको भी इंक्लूड करके उसको 15 लाख करोड़ बता दिया। तो ये पहला फर्जीवाड़ा था और इसको बताना जरूरी है, क्योंकि 2019-20 में करीब 9,37,405 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था, जो कि 21 में घटा और ये 9,17,000 कुछ करोड़ रह गया। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी जीडीपी दर बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरा जीएसडीपी बढ़ गया। कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो थोड़ा बहुत आंकड़ा समझता है, कोई भी सरकार का बाबू आपको ये बताएगा ये नितांत झूठ है, ये झूठ बोला गया और इसी झूठ के आधार पर ज्यादा कर्ज लिया गया। इस दूर से फर्जीवाड़े के बारे में मैं थोड़ा सरल रूप से 2-4 शब्द जरूर कहना चाहती हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे घर की आय बहुत बढ़ गई, तो आय तो तभी बढ़ेगी जब हमारे घर की आमदनी बढ़ेगी। फैक्ट्री का मालिक कहता है हमारी आय बढ़ गई, आय तो तभी बढ़ेगी जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब उसकी बिक्री बढ़ेगी। वैसे ही सरकार जब कहती है कि हमारा जीएसडीपी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है सरकार के पास राजस्व की ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू रिसीट आनी चाहिए। भाई अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, टैक्सेस ज्यादा आने चाहिए, तो आपके पास राजस्व की प्राप्ति ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि राजस्व की प्राप्ति लगातार न सिर्फ गिरी है, बल्कि राजस्व की प्राप्ति आधे से भी कम है जो उसका ग्रोथ रेट है। राजस्व की प्राप्ति का ग्रोथ रेट 10% है और सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 20% है। मेरे घर में आय घट रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे घर में सामर्थ्य ज्यादा है। कैसे ज्यादा है भाई? फैक्ट्री में बिक्री कम हो रही है, लेकिन फैक्ट्री का सामर्थ्य ज्यादा है। सरकार का रेवेन्यू कम रूप से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है जीएसडीपी हमारा उससे डबल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इसीलिए नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और 2 से 2.5 लाख करोड़ का ये जो घोटाला किया गया है, ये सर्वथा गलत है, ये सर्वथा पाप है और उसके बेसिस पर और बड़े बड़े घपले हुए हैं। इसका तीसरा प्रमाण आपको बता देते हैं, और इसका तीसरा प्रमाण जो है वो कर्जे की ग्रोथ रेट को लेकर है। और ये बताना जरूरी है क्योंकि ज्यादा जीएसडीपी दिखाकर ही ज्यादा कर्ज लिया गया। आपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा सुचारू दिखाया, ज्यादा बढ़िया लीपा पोती करी, ज्यादा आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया और तभी आपको ज्यादा कर्ज मिला। कर्जे की ग्रोथ में 15% बढ़ोतरी है और राजस्व की प्राप्तियों में 10% बढ़ोतरी है। आपकी इनकम घट रही है, आपका कर्जा लगातार बढ़ रहा है और राजस्व की प्राप्ति से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं है और अगर ये आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ दूसरा क्या है, इस बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए। और यहां पर एक बात बतानी जरूरी है जो मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भोपाल में करी थी तो उसके बारे में बोला था, और यह फर्जीवाड़ा नंबर 4 का प्रमाण है और इसी के साथ अपनी बात का अंत भी करूंगी। आज प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, प्रति व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपए का कर्ज है। आज एक नवजात शिशु के ऊपर भी 40,000 रुपए का कर्ज है। लेकिन निवेश की दर क्या है, उस कर्जे का क्या हुआ, यह पूछना जरूरी है। तो ना सिर्फ जीएसडीपी, ना सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद का दर
और उसके रेट के साथ खिलवाड़ हुआ, 2 से 2.5 लाख करोड़ का वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ, बल्कि कर्जा भी ज्यादा लिया गया और राजस्व भी नहीं बढ़ा और आपके लिए निवेश भी नहीं हुआ। तो चौतरफा चहुमुखी विकास तो नहीं हुआ, लेकिन चहुमुखी घोटाला जरूर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का घोटाला करके लोगों को छला गया है और जरूरी है कि इसका हिसाब जाते जाते शिवराज सिंह चौहान की, 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की तथा कथित डबल इंजन की, जंगल राज के ऊपर अपनी सरकार चलाने वाले लोग जरूर देते हुए जाएं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले इस पर सवाल होगा तो मैं अनुग्रहित रहूंगा। आपने कहा है कि मध्य प्रदेश गलत है क्या? केंद्र की एजेंसी ने बताया है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ी है। कौन सी एजेंसी ने बताया? केंद्र की एक नीति आयोग नाम की एजेंसी है। किसने? सेबी मार्केट रेगुलेटर है, वो केंद्र की एजेंसी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास नीति आयोग का डेटा है। मैंने कोई भी ऐसा डेटा कोट नहीं किया है जो कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट से आया है। ये सारे डेटे जो मैंने आपको कोट किए हैं, ये सब केंद्र और राज्य सरकार के डेटा हैं, ये नीति आयोग का डेटा है। और इसीलिए हमारा सवाल है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों का जीडीपी नेगेटिव में चला गया, ऐसा गोता खाया मध्य प्रदेश के जीडीपी ने कि ग्रोथ नहीं हुई, संकुचन हुआ, तो कैसे आपने डबल करी अपनी सकल घरेलू उत्पाद? इसका जवाब दीजिए। आप ये सुन लीजिए, ये नीति आयोग का डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, कि 35% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं मध्य प्रदेश में। ये आंकड़ा बढ़ा है। अगर ये आंकड़ा बढ़ा है, अगर राजस्व की प्राप्ति घटी है, तो कैसे आपका जीएसडीपी बढ़ा है? ये तो सिंपल वन लाइन सवाल है। इसका सिंपल वन लाइन जवाब है कि ये सबसे बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। और अगर इस लीपापोती में केंद्र सरकार शामिल है तो उनसे भी सवाल होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मीठा मीठा होता है तो डबल इंजन, जब कड़वा कड़वा होता है तो उस डबल इंजन को भी दोषारोपण करना पड़ेगा। आप बैठ के बोलिए। आपने ये अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाह रही थी कि मुझसे कोई फ्रीबीज शब्द जरूर यूज करे। और मुझे पता है कि मीडिया में और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण को रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन जो रबड़ी चम्मच से प्लेट में परोसकर अपने मित्र को खिलाते हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर जन कल्याण रेवड़ी है तो वो रेवड़ी और बटेगी, और रेवड़ी और रबड़ी की इस जीत में जीत तो रेवड़ी की होगी। जन कल्याण को रेवड़ी बुलाने वालों को जनता अच्छा सबक सिखाएगी। आपने एक बहुत प्रबुद्ध सवाल पूछा और वो सवाल ये है कि जब इतना कर्जा है तो इस तरह की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं वो कैसे आएंगी? कर्जा क्यों लिया जाता है? अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए का कर्जा लेता है, छोटा सा व्यवसाय चलाता है, तो अपने व्यवसाय में लगाता है, उससे उसका आशय होता है कि व्यवसाय बढ़ेगा। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री 30-40 हज़ार करोड़ का कर्जा लेती है तो वो नई मशीनें ऑर्डर करती है, अपना उत्पादन बढ़ाती है, वो लोगों को नौकरी देती है, थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ता है उसका। सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार कर्ज या तो जन कल्याण के लिए लेती है, या सरकार कर्ज लेती है जो निवेश करा सके, जिससे अर्थव्यवस्था सुगढ़ हो, जिससे रोजगार के साधन निर्मित हो सके। 4 लाख करोड़ का कर्ज की मैं बात कर रही हूं, जिसमें से 1 लाख करोड़ का कर्ज 1 साल में लिया गया है, ठेले का निवेश नहीं आया है। निवेश के नाम पर रिपोर्ट कार्ड में नील बटा सन्नाटा है। हमारी और इनकी अप्रोच में यह अंतर है कि हम इस कर्ज से निवेश लाएंगे, हम इंटरनल अक्रूवल्स करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सुचक्र होता है अर्थव्यवस्था का, कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब्स, जॉब्स लीड टू मोर कंजम्पशन एंड ग्रोथ, वो वापस शुरू हो। अगर आज किसान की कर्जा माफी होती है तो वो किसान ऋण से मुक्त होकर उसके हाथ में ज्यादा पैसा ठहरेगा, जिसको से वो कंजम्पशन करेगा, जिससे जिसको वो उपयोग करेगा, और उससे सुचक्र अर्थव्यवस्था चलेगी। कर्जा लिया गया लेकिन निवेश नहीं किया गया, तो ये पैसा गया तो गया कहां? ये सवाल है। शुक्ला जी, सवाल है, ये
कर्जे लेने के लिए आपके जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, उन्होंने आरोप लगाया कि जीडीपी बढ़ा हुआ दिखा करके जो कर्ज ले रहे हैं उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं कि ठेकेदारों को ठेका देकर के और कमीशन दे रहे हैं, क्या ये सच है? मैंने बिल्कुल खुलकर अपनी पत्रवार्ता में भी यही बात करी है, पत्रकार वार्ता में मैं सीना ठोक कर कहती हूं कि अगर आपने 2 से 2.5 लाख करोड़ का जीडीपी ज्यादा दिखाया है जबकि आपकी राजस्व प्राप्तियां नहीं बढ़ी, जबकि आपका कर्जा बढ़ा है, तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा उस पैसे ने किस चीज का सृजन किया है? तो हम क्यों ना बोले कि ये घोटाला भाजपा के बड़े नेताओं की जेब में गया है? बिल्कुल, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस तरफ कौन? हाँ, वो जबलपुर गए थे, जबलपुर में उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद उनके जो जिला अध्यक्ष है प्रभात साहू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाए कि जो उन्होंने तोड़फोड़ की उनको आपने उनसे बात की, तो नाराज लग रहा है इसको कैसे ऐसा है कि जब विनाश काल आता है पास में तो सबसे पहले अंतर कलाब जबरदस्त दिखती है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रभारी की उपस्थिति में दंगा, लात घूसे चलेंगे, गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी? ये इनके पतन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उनके नेता, उनका शीर्ष नेतृत्व ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां से सरकार जाने वाली है और 24 में भी झोला उठाने का वक्त आने वाला है। आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करी, मैं उस बात में 2 बात जरूर जोड़ना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिछड़ों का हितैषी बताती है नहीं, वो अलग बात है। जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया वो उनके जिला के पिछड़े प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मुझे आप ये बात बताइए कि ये किसका भला करने गए थे, क्यों इतना लात घूसा चल रहा है? क्योंकि जो शासन है वो खत्म होने का वक्त आ गया है। आई टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड देन कम टू यू। जी, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का क्या व्यू है और जन भागीदारी से ही अगर जातिगत जनगणना में जन भागीदारी से करना है तो परिवार नियोजन का क्या होगा? तो फिर परिवार नियोजन का क्या होगा अगर संख्या बल के आधार पर ही नहीं? आपका सवाल फैक्चुअली गलत है और मैं उस सवाल से सहमत नहीं हूँ, और इसलिए सहमत नहीं हूँ। इसका जवाब दे दूँ या पहले आपका सवाल ले लो? इनका जवाब दे देने दीजिए। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आपके सवाल की प्रमाइस ही गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि मेरा ये मानना है, जहाँ के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिस भी राज्य ने जातिगत जनगणना कराई है, बिहार में भी आंकड़े आए हैं, अगर वहाँ पर पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की जनसंख्या मिलाकर एक साथ 84% है, तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? और जैसे कि मेरे नेता कहते हैं, सिंपल बात है, आपके पैर में मोच आ गई, अब वो टूटा है पैर या नर्व उठी है ये तो एक्सरे ही बताएगा। तो वो जातिगत जनगणना जो है वो एक्सरे है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मुझे लगता है 2023 के भारत में कौन कितने पर खड़ा है और उसका कितना प्रतिनिधित्व है। यह शर्म की बात है कि जिस देश में अमूमन 60% पिछड़ा वर्ग है, सचिवों में सिर्फ और सिर्फ 3 सचिव 90 में से पिछड़े वर्ग से आते हैं। यह शर्म की बात है कि IITs में मात्र 4% पिछड़े वर्ग से आते हैं प्रोफेसर्स। यह शर्म की बात है कि IIM में मात्र 6% प्रोफेसर पिछड़े वर्ग से आते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4% से कम है। क्यों? क्या इनके अंदर प्रबुद्धता कम है? क्या इनके अंदर दिमाग कम है? क्या इनके अंदर इनको मौके नहीं मिले? और मुझे लगता है जातिगत जनगणना उन मौकों का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं पहले एक महिला से सवाल लूंगी फिर आऊंगी। अभी एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आप बोलिए। सुचंदा जी प्लीज। आई डोंट थिंक एनी स्टेट इन इंडिया हैज रिपोर्टेड अ पॉजिटिव ग्रोथ इन डबल डिजिट्स आफ्टर कोविड। इट्स नॉट दैट द ग्रोथ रेट फेल, the growth rate went into negative, which means that the total domestic production actually contracted. If you look at the quarter which ended after the COVID in India, there was minus 23% GDP growth rate, which means GDP did not go up, but GDP sunk further down. And I think that is very important. How on earth can Madhya Pradesh claim
that they grew at 19%. If this is not playing with figures, then I wonder what is. Because this is what is playing with figures, this is what is playing with data. How on earth can Madhya Pradesh be the outlier when every other state in the country reported negative GDP? And it was going to be negative. When there were lockdowns, when factories and offices were shut, productivity did go down. There was no production happening. There was very limited buying happening. Who on earth can believe that Madhya Pradesh actually clocked in growth rate of 19%? So I say it with all honesty and with all responsibility and whatever insight I have into economy, that this is an absolutely erroneous claim that the Madhya Pradesh government has made, and they need to be answerable for this fictitious data. Thank you very much. Thanks very much for your questions. We can take